चढ़ते हैं और नारियल चढ़ता है, सब कुछ जोड़े जोड़े से चढ़ता है, तो मैं वहीं चढ़ गए हैं। इसमें से दक्षिणा दे करके मैं भी आंटी को दे करके आ रही हूँ। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सेकंड यार, इसका कुछ एंगल नहीं बन रहा है। यस, तो आज मैं गई थी डीमार्ट से कुछ सामान लाई हूँ। एक्चुअली इस मंथ का कोई भी ग्रोसरी का सामान नहीं आया था। दिवाली भी कुछ किसी तरह निपटा ली, कोई भी मतलब वह सामान सारा खत्म हो रहा था। एंड ये बाहर भी चले गए थे एंड घर में फिर काम काफ़ी हो गया था लाइक सफाई वफाई का। तो मैंने इस मंथ की कोई भी ग्रॉसरी नहीं लाई थी। तो अभी एंड होते होते लगभग ऑलमोस्ट सारी ग्रॉसरी ख़त्म हो रही थी, आटा वगैरह सब कुछ ख़त्म था। तो आज मैंने कहा यार आज तो लानी पड़ेगी, तो बस वहीं लेने गए थे। एंड कल है संडे, 19 नवंबर है एंड कल छठ का दिन, मतलब कल छठ का अर्घ है, शाम वाला अर्घ है, पहला अर्घ है। और कल मैं ऋषि का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि 13 को डेट के अकॉर्डिंग तो उसका बर्थडे नहीं हो पाया था, बट वो छठ के दिन हुआ था, जो पहला अर्घ होता है ना उसके दिन उसका तिथि से होता है बर्थडे। तो मैंने सोचा था कि कल मतलब तिथि से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। तो थोड़ा उसका भी सामान मुझे लाना था, कल ही उसके फ्रेंड्स वगैरह भी सब आ जाएंगे, घर गए थे ना अपनी नानी दादी के घर, तो सब आ जाएंगे। तो कल ही केक कटिंग भी मैं कल ही कराऊँगी एंड उसके बर्थडे का भी थोड़ा बहुत सामान लाना था, लाइक चॉकलेट्स वगैरह हैं एंड रिटर्न गिफ्ट है, वो सब लाना है। अभी उसको पैक भी करना है, क्या लाई हूँ वो मैं भी दिखाऊँगी आपको। अभी पैकिंग का मैं रैपर नहीं लाई हूँ, अभी जाऊँगी नीचे तो वो लेके आऊँगी, उसको पैक भी करूँगी एंड दैट्स इट। एंड मेरा ग्रॉसरी का सामान रखा हुआ है, जो कि सच कोई ऐसा है नहीं कि मैं दिखाऊँ, वहीं दाल चावल, आटा दाल चावल, ये सब सामान है। तो और तो कुछ मैं नहीं लाई थी, हाँ ये एक बॉटल मैं लाई हूँ। ये बॉटल मेरे पास एक बॉटल थी ना, वो ख़राब हो गई, मतलब पता नहीं कैसे उसमें हीट लग गई, वो ख़राब हो गई। तो ये बॉटल बहुत अच्छी है, इसमें कप भी है और ये भी है, ये मुझे मिल गई डीमार्ट में एंड ये कुछ नहीं, 21 रुपीज़ की है, काफ़ी सही रहती है, काफ़ी कन्वीनियंट रहती है। और इसको जैसे बच्चे हैं ना, पानी वानी पीना होता है तो उसके लिए सही रहती है। तो इसमें काफ़ी कलर्स अवेलेबल थे, ये मैंने ले ली, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो वाली ख़राब हो गई पहली वाली, तो ये मिल गई, बहुत अच्छा है। बस ये एक बॉटल एक ये लाई हूँ। और ये वेजिटेबल रखने वाली, मेरे पास नेट था, बैग्स थे, तो मैं दो थे, एक खो गया पता नहीं कहाँ गया, वो मैं 4 साल से वो चला रही थी बैग, और ये मुझे मिल गया, ये बहुत सही रहता है अपनी वेजिटेबल स्टोर करने के लिए ना, बहुत अच्छा रहता है। इसको भी मैं दिखाती हूँ ओपन करके, ये मिला है 59 रुपीज़ के हैं, 59 रुपीज़ के 3 बैग्स मिले हैं। तो कुछ इस टाइप से है, फिर दिखाती हूँ मैं। अभी इसको तो ओपन नहीं कर रही हूँ, अभी वेजिटेबल को है नहीं, वो लाऊंगी तब इसमें ओपन कर। तो कुछ इस टाइप से, ये देखिए 4 से 5 साल हो गया, मैं जब बैंगलोर में थी ना मैंने तब लिया था और ये अभी तक बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने 3 का सेट और ले लिया है, इसमें वेजीज या फ्रूट्स वगैरह रख दो ना तो सही रहता है। दैट्स इट, अभी इतना ही है। तो अभी चलो मैं सारा सामान पहले लगा लेती हूँ एंड फिर आप लोगों से बात करती हूँ। हेलो, तो मैंने बताया था ना, मैं हमारे आंटी पूजा करती हैं छठ की, तो उन्हीं के यहाँ से खरना का प्रसाद मैं लेकर के आई हूँ, एक मिनट। तो ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है कि हमारे पास में ही नेबर में आंटी पूजा करती हैं, मुझे सारा छठ का प्रसाद मिलता है, छठी मैया का प्रसाद है। बहुत बहुत थैंक यू माता जी, प्रसाद मिल गया मुझे। तो चलिए भी थोड़ी देर के बाद में मिलती हूँ आपसे।
हेलो गुड मॉर्निंग नो हेलो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है छठ का दिन। फ्लोर पे एक आंटी रहती है छठ का पूरा, तो उनको मैं देने जा रही हूँ छठ का जो प्रसाद चढ़ता है ना, फ्रूट्स वगैरह जो भी चढ़ते हैं, तो वो मैं देने जा रही हूँ। और यहाँ पे ये मिला है मुझे सूप। मुझे नहीं पता था यहाँ पे सूप मिल जाएगा, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से छठवट के लोग पूजा करते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर हो चुका है छठ, तो काफ़ी लोग पूजा कर रहे हैं। इवन काफ़ी एक दो सोसाइटी में ना तो काफ़ी अच्छे से पूरा तालाब मतलब वो बनाया जाता है ना पानी भर के, वो सब काफ़ी अच्छे से हुआ है सेलिब्रेट, तो काफ़ी अच्छे से हो रहा है। तो वही आंटी को मैं देने जा रही हूँ ये फल वगैरह, तो जिसमें से 5 फल चढ़ते हैं और नारियल चढ़ता है, सब कुछ जोड़े जोड़े से चढ़ता है, तो मैं वहीं चढ़ाने देने जा रही हूँ। तो 5 फल तो मैंने रेडी कर लिए हैं और इन नारियल को भी जोड़े के हिसाब से, मतलब जितने व्यक्ति हैं उसके हिसाब से आप दे सकते हो, यानी कि ऋषि और ऋषि के पापा के हिसाब से, दो दो के जोड़े के हिसाब से, एक ऋषि का ऋषि के पापा का। एंड 5 फ्रूट भी मेरे रेडी हो गए हैं, सबको धो दिया है कर दिया है। तो ये है बनाना, ये बनाना है, ये मौसमी है, और ये है 2 एप्पल हो गए, और ऑरेंज, पोमोग्रेनेट, एंड 2 ये है इसको क्या बोलते हैं कि वो आलू बुखारा, यार ये कौन सा फ्रूट है नाम नहीं याद आ रहा है, कीवी नहीं आलू बुखारा है, सपोता ये इसमें लिखा है क्या होता है। हाँ तो ये फल रेडी हो गए हैं, इसमें से दक्षिणा दे करके मैं भी आंटी को दे करके आ रही हूँ। तो उसके बाद थोड़ा बर्थडे का सेलिब्रेशन यानी कि बलून वगैरह लगाने स्टार्ट करेंगे। तो चलो मैं इसको पहले दे करके आती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और ये सूट मुझे इतना अच्छा लगता है तो आज मैंने इसको ही फिर से पहन लिया। बाहर भी निकला था, आयरन के बाहर रखा था, सो मैंने इसको पहन लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो मैं अभी फ्रूट दे के आती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। डेकोरेशन अभी भी चल रही है, बट एक सेकंड मैं इसको ना स्टैंड पे लगा लेती हूँ। डेकोरेशन मैं कर रही हूँ और साइड बाय साइड मैं खाना भी, छोला भी मैंने सोचा यार बना देती हूँ। 3:30 हो रहा है, बच्चों को बोला है मैंने 5 बजे तक का, तो छोला मैं बना लेती हूँ, आटा लगा के रख लेती हूँ भटूरे का। बाकी तो बच्चे ज़्यादातर यार स्नैक्स ही खाते हैं और तो कुछ खाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैंने छोला भटूरे बना दिया है ताकि बच्चों को अगर खाना होगा तो वो भी खिला सकते हैं। तो मैं फटाक से छोला बना लेती हूँ, छोला तब तक होता रहेगा तो और डेकोरेशन करनी बाकी है। बाहर तक मैंने सुबह से नहीं बनाया, मुझे एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। लास्ट ईयर में मैंने थीम रखी थी मैकक्वीन मकीन कार बार वाली, लेकिन देखो थीम से बेटर ये लगता है ना कि कलरफुल, खूब सा हर चीज़ बच्चों में कलरफुल कलरफुल होनी चाहिए, तो कलरफुल ही बैलून लाई हूँ। और ऐसा सच मैंने कोई थीम वगैरह नहीं रखी है, सब कुछ रैंडमली चल रहा है जो भी चल रहा है। तो मैं छोला बना लेती हूँ, फिर आपसे फिर से बात करती हूँ, फिर से डेकोरेशन करने जाऊँगी। Thank you.
ऋषि भी रेडी हो गया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। बच्चे भी आ गए हैं, ऋषि के फ्रेंड्स आ रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी दिखाती हूँ ऋषि को एंड बच्चों के लिए रखा है अभी। बच्चों के लिए अभी तो स्नैक्स ही रखे हैं यार, ऑयल गिर रहा है। तो अभी चिप्स है और मकई लाई हूँ, उसको फ्राई करने जा रही हूँ, उसको फ्राई करूंगी। एंड फ्रूटी है अभी स्नैक्स में, ये है जो कि केक कटिंग के बाद भी मैं देने वाली हूँ, क्योंकि मकई निकाल दूंगी ना, वो गरम गरम बच्चे नहीं खा पाएंगे। अरे पता है मैंने बाल अभी तक नहीं कॉम किए हुए क्योंकि ना जब दो ना तो ऐसे करली करली से हो जाती बात, तो अच्छे लगते मुझको, तभी कॉम नहीं किया। तो फिलहाल मकई निकाल देते, अभी ऋषि को दिखाती हूँ और अभी डेकोरेशन भी दिखाती हूँ। ऋषि इधर देखो, तरीके से ऋषि का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया। और ये सब फ्रेंड्स हैं उसके, मेरी ही सोसाइटी के ही फ्रेंड्स हैं ये सब, तो बस उन्हीं को बुला के सेलिब्रेशन किया और बच्चों ने खूब इंजॉय किया, स्नैक्स वगैरह जो भी मैंने दिया था ना, सब ने खूब मस्ती की और खूब, यह बच्चों का इंजॉयमेंट रहता है, तो खूब डांस हुआ, मस्ती हुई, बहुत इंजॉय किया। एंड उसी दिन वर्ल्ड कप का भी फाइनल मैच हो रहा था, वो सब हम लोग देख रहे थे, उसको भी इंजॉय कर रहे थे और कुछ गेस्ट आए हुए थे, वो सब हम लोग मिल करके और मैच देख रहे थे। और ना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप बच्चों को भी मैनेज करो, खाना भी देखो, किचन भी देखो, तो मैं बहुत जितना पॉसिबल हो सका मैंने क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। एंड ये छोले भटूरे बन गए थे लास्ट में, हम लोग खाने बैठे थे तो वो खाया। सो हो गया है बर्थडे का सेलिब्रेशन और रिवाज अपने रियल मूड में आ गए एकदम, पैंट वेंट उतार के। ऋषि 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 कैसा लगा आपको बर्थडे? हाँ अच्छा लगा। ऋषि को तो बहुत मजा आ गई है, जितना भी गिफ्ट आया था इतना रो रो के बस सारे गिफ्ट खुला के बैठ गया है। तो
हो गया हमारा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन, और आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड ये डेकोरेशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अब कुछ दिन तक तो मैं इसको ऐसे रखने वाली हूँ। अपने रील्स वगैरह में या और वीडियोस के बैकग्राउंड में कुछ दिन तो ऐसा ही दिखेगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। मैंने पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया। ये कर्टेन ना मेरे पास रखे हुए थे काफ़ी टाइम से, बट मैंने लगाया नहीं था। इसमें सोचा था कुछ DIY करूँगी, प्योर वाइट एकदम नहीं अच्छा लग रहा था, बट अभी लगाया ना तो इसके साथ पूरा बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे रखने वाली हूँ, फिर आगे इसका कुछ ना कुछ तो DIY करने वाली हूँ। एंड बताइएगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो प्लीज़, ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको कुछ 10-15 मिनट का वीडियो दिख जाता है बट उसके पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम ID, बोथ IDs। एंड यस, इतना था मेरा ब्लॉग। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो ऋषि का तो 2-2 बर्थडे हो गया है ना ऋषि? गिफ्ट दिखाओगे? हाँ तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।